हमलावर है खबरदार, हमलावर है खबरदार, आचार में सुधार करो, नागरिक को मत मारो, आचार में सुधार करो, नागरिक को मत मारो, आचार में सुधार करो, रचना नहीं रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, रचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, निषेध 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 निषेध, अरे ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का निषेध निषेध निषेध, भारत माता की जय। नियम से पालन करना है, सभी ने मास्क को लगाना है, आज की ये निषेध सभा, आज यहाँ पर हमने आज उजला सिग्नल के कॉर्नर से भारतीय जनता पार्टी और क्रमांक 70 की तरफ से हमने यहाँ पर एक विशेष सभा का आयोजन किया है। पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से मुस्लिम हत्या हो रही है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, जिस तरह से उनकी हत्याएं हो रही है, और पश्चिम बंगाल सरकार जो नवनिर्वाचित सरकार है उसमें कोई भी कदम नहीं उठाते हुए निर्दोष नागरिकों से वहां पर हत्या हो रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जो वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर में जो दिन दहाड़े लोगों से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जलाए जा रहे, उनके अत्याचार हो रहे, उनके ऊपर में बलात्कार हो रहे, उनकी निकम हत्या हो रही है, ऐसे दौर के अंदर में पश्चिम बंगाल की सरकार का निषेध करते है, तृणमूल कांग्रेस का निषेध करते है, जिस तरह से नितिन हत्या की है, हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं केंद्रीय आला कमीन से कि पश्चिम बंगाल के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करे। जब तक कि वहां पर हिंसा का दौर नहीं चलते, पश्चिम बंगाल के अंदर में हजारों कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर में अपना देते हैं तो 15-20 हत्या रोज हो रही है, इस तरह से चुनाव के बाद में इस तरह से हिंसा का नंगा नाच चल रहा है, हम पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का निषेध करते हैं। धिक्कार धिक्कार धिक्कार, तृणमूल कांग्रेस का धिक्कार, और इसलिए हमने जिले पार्ले के अंदर में भारतीय जनता पार्टी 270 की आकर हमारे हम हमारी जो एमपी है पूनम महाजन जी उनके नेतृत्व में हमारे जिले पार्ले के आमदार पलक अलानी जी और अंदरी विधानसभा के आमदार अमित साटन जी और स्थानीय नगर सेविका सुनीता मेहता जी के नेतृत्व में आज हमने रूम में इस तरह का आयोजन किया, विशेष सभा का आयोजन किया, और हम चेतावनी देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार को, हिम्मत मिले कि जिस तरह से नंगत कांड कर रहे आपको कोई लक्ष्य नहीं, हम केंद्रीय शासन से भी अनुशंसा करते हैं, हम राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सबसे आम हो रहा है उसका निषेध करते और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसका निषेध करते हैं, तृणमूल कांग्रेस का निषेध। नगर सेवी का सुनीता मेहता तिरंगा दिए दे सकते हैं। टीएमसी का जो हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है उसके लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए, और हम सब मुंबई में वार्ड 70 में हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता उनका निषेध करते हैं, जो अत्याचार दिन दहाड़े उन लोग हमारे लोगों के ऊपर कर रहे हैं, जो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है उसका हम पूरी तरह से निषेध करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी केंद्रीय सरकार उससे तुरंत से तुरंत एक्शन ले, अगर जरूरत पड़े तो हम लोगों को हराती है। राष्ट्रपति शासन हमको लगाना है वहाँ पर, निषेध निषेध निषेध, आचार में सुधार करो, निष्पाप नागरिक को मत मारो, आचार में सुधार करो, निष्पाप नागरिक को मत मारो।
क्या वजह है या आज आपने आंदोलन किया है, जिस बंगाल में जो हालत देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे सर? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीतने के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले जो भी आम जनता है उनके खिलाफ हिंसाचार की जो घटनाएं बढ़ी है, जीत के बाद लोग विनम्र होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो जीत का उन्माद दिखाई दे रहा है, मस्ती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, और अगर कार्यकर्ता नहीं मिला तो उसके घर के बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। और इस बात को का विरोध ये देश भर से आज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का देश भर का हर कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को ये बताना चाहता है कि आपके गुंडागिरी से हम डरेंगे नहीं, हम सत्ता के लिए राजनीति में नहीं है, हम विचारधारा के लिए राजनीति में है, और हमने आज तक संघर्ष करके ही हमारा विचारधारा को आगे बढ़ाया है। और आज बंगाल ने तो 38% वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, तो क्या ममता बनर्जी के गुंडे 38% लोगों के खिलाफ है? क्या वो केवल उनके मुख्यमंत्री बनना चाहती है जिन्होंने उनको वोट दिया? और इसीलिए ये सारे हिंसाचार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी का देश भर का कार्यकर्ता रस्ते पर खड़ा है, और हम उन तमाम कार्यकर्ताओं को भी ये संदेशा देना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है, आप जो राष्ट्रभक्ति का परिचय दे रहे हो तो ये हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। क्या ममता बनर्जी ने जितने बार आतंक करने का एक फैसला के आलम में ऐलान किया है? देखिए, चुनाव के पहले ही उन्होंने डिक्लेयर किया था कि चुनाव के बाद तो हम दिखा देंगे, तो उनके दिमाग में हमेशा हिंसाचार रहा है। हिंसाचार के बलबूते के ऊपर ही, डर के बलबूते के ऊपर ही उन्होंने आज तक विजय प्राप्त किया है, ये अब जनता के सामने आ रहा है। कोरोना काल चल रहा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल चल रहा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पूरा विश्व एक लड़ाई लड़ रहा है कोरोना की, और इस लड़ाई को सबने मिलकर के प्रयास करने जीतना है, और इसीलिए कोरोना का प्रोटोकॉल ये हमने पालना है। मैं स्वयं डबल मास्क पहन करके बाहर घूमता हूँ, सबने उसका करना चाहिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस आंदोलन में शरीक होना चाहते थे, लेकिन कोरोना के संकट को देखते हुए हमने कम संख्या का आंदोलन ये रखा है। लॉकडाउन लगने से जनता विरोध कर रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लॉकडाउन का उपयोग ये हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए करने की आवश्यकता थी, दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में हुआ नहीं, लेकिन मैं माननीय मोदी जी का आभारी हूँ कि देश विदेश से ऑक्सीजन ला करके उन्होंने महाराष्ट्र में पहुँचाया, रेमडेसिविर की दवाइयाँ महाराष्ट्र में पहुँचाई। जो सबसे ज़्यादा कोटा रेमडेसिविर का हो, ऑक्सीजन का हो, हर चीज़ में अगर देश का किसी को मिला है तो सबसे ज़्यादा कोटा महाराष्ट्र को मिला है, और आज जब केसेस कम होते हुए दिखाई दे रही है उसका कारण भी यही है कि जो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर समय पर महाराष्ट्र में पहुंचा उसका हमको लाभ मिला है। लेकिन ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, इसके लिए इसको और मेहनत करने की आवश्यकता है। क्या वजह है आज या आप ये आंदोलन कर रहे हैं, इस समय बंगाल में जो हालत देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है। TMC की सरकार, उन्होंने 213 सीट जीती, उसके बावजूद भी वो सरकार में आ चुके, तो उसके बावजूद भी वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी निशंस हत्या कर रहे हैं, और हमारी जो बहनें हैं BJP की वहाँ पर उनका जाहिर में उनका रेप कर रहे हैं और उनको सबको मारा जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखदायी हमारे लिए समय है, और पूरी तरह डेमोक्रेसी का ये हत्या किया गया है। कोरोना काल में मेरा ये हर किसी से अपील है कि हमको हर किसी को मेंटेन करना है, कोरोना का प्रोटोकॉल का मेंटेन करना है, सबको वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे बंगाल में जो हालत देखा गया है?
आज वार्ड 70 के अंदर में विले पार्ले वार्ड 70 के अंदर में हमारी सांसद माननीय पूनम महाजन जी के नेतृत्व में, हमारे आमदार पराग अरुण जी के नेतृत्व में, हमारे दूसरे आमदार अमित साटम जी के नेतृत्व में और स्थानिक नगर सेवक के नेतृत्व में इरला जंक्शन के ऊपर में निषेध का हमने कार्यक्रम रखा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने, तृणमूल सरकार ने जिस तरह से कुछ दिनों पहले निस्सृंग हत्याकांड किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घरों में घुस करके मारा है, उनका बलात्कार किया है, उनको जिंदा जलाया है, ऐसी निघृण्य सरकार का निषेध करने के लिए हम आज यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम लिया है। हम मांग करते हैं वहां पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाकर उस पर अंकुश लगाया जाए कि इस तरह की जो सत्ता वहाँ पर निर्गुण सत्ता आई है, पूरे देश भर में चुनाव होते हैं लेकिन जिस तरह की हत्या का तांडव का नंगा नाच ममता बनर्जी ने खेला है, पूरे भारतवर्ष में मिसाल है कि इस तरह का नंगा नाच किसी ने नहीं खेला है। इसलिए आज यहाँ पर एक निषेध का आयोजन करने के लिए सभी यहाँ पर हम उपस्थित हैं। कोरोना काल के अंदर भी मैं सभी से, हमारे सभी कार्यकर्ताओं से, हमारी सभी जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, मास्क लगाए, बार बार हाथ की सफाई करें, लोगों से बात करने के टाइम पर 2 गज की दूरी रखें, क्योंकि दवाई भी और कड़ाई भी ये प्रधानमंत्री का संदेश है और कोरोना काल की लड़ाई में सभी को एकजुट रहना है। हमने अभी अभी यहाँ पर आने के पहले हमने और लल्लूभाई पार्क के अंदर भी एक वैक्सीनेशन सेंटर का 1-2 दिन के अंदर उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे स्थानीय लोगों को वैक्सीन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लॉकडाउन लगने से जनता को क्या राहत मिलेगी, सुरक्षा मिलेगा? लॉकडाउन लगने के बाद में अभी हमने वापस से जो अगले साल 2020 में मार्च से हमने सब कार्यक्रम किए थे, उसी तरह के हमने जो सैनिटाइज करना है, हमने लोगों को, जो गरीब लोगों को भोजन देने का कार्यक्रम है, सैनिटाइज कार्यक्रम, राशन बांटने का कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं और उसका वहाँ पर इरला सिग्नल के ऊपर में अभी हम लोग इरला सिग्नल के ऊपर में रोज के करीब 500 लोगों को भोजन की व्यवस्था का आज से कार्यक्रम का शुभारम्भ करने जा रहे हैं। व्यापारियों ने जैसे जिस तरह से लॉकडाउन को विरोध कर रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि पिछले 1 साल से सभी लॉकडाउन के अंदर में त्रस्त हैं, व्यापारी भी त्रस्त हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, बहुत सारी भीड़ को नहीं जमा करते हुए, जो थोड़ा बहुत भी जो छूट मिली हुई है उसके अंदर अपने वो आजीविका का निर्वाह करें।